नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रवासी मजदूर को छोड़कर लौट रहे रोडवेज ड्राइवर की मौत। मृतक के घर पहुंचकर सांसद राजकुमार चाहर जी ने परिवार वालों को दी सांत्वना। देखिए रोडवेज ड्राइवर की आखिरी वीडियो एक्सक्लूसिव प्राइम 18 न्यूज पर। सबसे पहले जरा देखिए रोडवेज ड्राइवर की मौत से पहले की वीडियो। टैंकर वाला था, रॉन्ग कार चलाया रहा, ये नींद आ गई उसको, क्या आ गया। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? वहाँ से इलाहाबाद से आगरा की तरफ जा रहा था। हमीद खान कस्बा कागरौल निवासी, जो कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में ईदगाह डिपो में बस ड्राइवर थे। इस घटना की जिला पंचायत सदस्य मेघराज सोलंकी द्वारा सांसद घटना की सारी जानकारी दी है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने मृतक हमीद के घर जाकर परिवार वालों को दिलाया ढांढस और कहा कि मैं व मेरी सरकार द्वारा व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर शहीद की तरह कोरोना योद्धा का दर्जा मिले और जो मदद होगी मैं आज शाम को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात रखूंगा। और कहा आगे से ऐसा ना हो कि इतनी दूरी पर रोडवेज बसों में ड्राइवर भेजें। साथ ही मैं जिला पंचायत सदस्य मेघराज सोलंकी व थाना अध्यक्ष महोदय राकेश कुमार यादव जी सांसद जी के साथ रहे। देखा जाए तो जाजम पट्टी से इलाहाबाद 600 किलोमीटर व दोनों साइड से 1200 किलोमीटर पर रोडवेज विभाग के अकेले ही एक ड्राइवर भेजा था। कुछ गलतियां रोडवेज विभाग की बताई जा रही हैं। लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर फंसे मुसाफिरों को पहुंचाए गए थे इलाहाबाद। प्रवासी मजदूर राजस्थान से जाजम पट्टी मजदूर आए हुए थे, उन्हीं को जाजम पट्टी से इलाहाबाद छोड़कर जा रहे थे। लौटते में रोड साइड गैस टेंटर के आ जाने से कोई भीषण बस में भिड़त। संजय जी, जिस प्रकार से ये घटना घटी है कस्बा कागरौल में, तो आपके द्वारा क्या कोई बात हुई आरएम साहब से या सरकार से? देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे गांव कागरौल के हमारे साथी हमीद भाई, जो रोडवेज में चालक थे, वो प्रवासियों को लेके सरकारी कार्य से कानपुर या फतेहपुर जहाँ भी जा रहे थे, और वापसी में उनके साथ एक होमगार्ड भी था जो घायल है, और वापसी में टैंकर से एक बड़ी भीषण टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ, और उसमें हमीद भाई का देहांत हो गया है और वो होमगार्ड भी घायल है। कल भी मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, यहाँ के गाँव के प्रधान और हमारी पार्टी के नेता मेघराज सोलंकी ने मुझे इसकी जानकारी दी थी, और फिर जिलाधिकारी महोदय से भी बात की, आरएम जो रोडवेज के प्रबंधक हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, अभी भी मेरी बातचीत हुई। मैं आज पीड़ित और दुखी परिवार के लोगों से शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि कोरोना योद्धा कोई हमारे बीच से चला गया है जनता की सेवा करते करते, वो मैं तो कहूँगा वो एक्सीडेंट में उसका देहांत नहीं हुआ, वो शहीद हुआ है, और मैं ऐसे कोरोना के योद्धाओं को सलाम करता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपनी सरकार से और सभी प्रशासन के लोगों से मैं बातचीत करके मैं कोशिश करूँगा कि कोरोना योद्धा होने के नाते उनके परिवार को सारी वो सुविधाएं दी जाएं जो कोरोना योद्धा को दी जाती है। आगे से ऐसी घटना न घटे। कल जाजम पट्टी से लगा के इलाहाबाद करीब 605 किलोमीटर बैठता है, उसमें भी एक ड्राइवर भेजा गया था रोडवेज विभाग की तरफ से, क्या आपके इस तरह से कोई बात हुई आगे चल के? देखिए ये मेरे संज्ञान में अभी आया है जब मैं यहाँ कागरौल में आया हूँ, तो उसका ड्राइवर एक ही था। वैसे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा से ये ध्यान रखा गया है कि दूर की यात्रा के लिए अकेला एक ड्राइवर होता है तो वो थक जाता है, उसको नींद भी आ सकती है, उस थकान के कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो निश्चित रूप से दो ड्राइवर जाने चाहिए। अब ये दो ड्राइवर क्यों नहीं गए, ये अकेले क्यों गए, ये एक जाँच का विषय है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इस बात की भी जाँच की जाए कि जाने का फैसला इन्होंने कब ये किया या दो लोगों को क्यों नहीं भेजा गया, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये है कि इस परिवार पीड़ित परिवार के साथ हम, हमारी पूरी सरकार, हमारी पार्टी उनके साथ है, और जो भी हर मुमकिन सहयोग होगा वो करने की कोशिश करेंगे, और कोरोना के इस योद्धा को मैं सलाम करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो कोरोना की महामारी के वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो
एक लड़ाई चल रही है पूरे समाज के द्वारा, उसमें वो शहीद हुआ। मैं बहुत ही शोक संतृप्त परिवार को अपनी ओर से मैं ढांढस बंधाने आया हूँ और उनको मैं शहीद को बारंबार में सलाम करता हूँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब